और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बिहार से है। बिहार में एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल गिर गया है। मोतिहार के घोड़ासहन प्रखंड में निर्माणाधीन पुल गिरा है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। 1.5 करोड़ की जो लागत आई वो बेकार। बिहार में एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा पुल गिरा है और यह चौंकाने वाली खबर है कि ऐसा कैसा मटेरियल यूज हो रहा है बिहार में पुल बनाने में कि एक के बाद एक निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड में ये निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन ये पुल था जो गिर गया है। इससे कुछ दिन पहले भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो निर्माणाधीन पुल था उसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। पिलर ध्वस्त होने से पूरा का पूरा जो पुल है वो पानी में समा गया था। अब इस पुल की मोतिहारी बिहार से तस्वीर आप देख रहे हैं। 1.5 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा था और अभी तो बनकर तैयार भी नहीं था। ये आधा अधूरा पुल बता रहा है कि इसमें सही कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सही मटेरियल नहीं लगा और जिसके चलते ये पुल ध्वस्त हुआ है। ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा पुल वहां गिरा है। बिहार से मोतिहारी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही पुल था जो बन रहा था, दरअसल बन के तैयार भी नहीं था। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे अभी वो सिवान है जगह जहाँ पर पुल गिरा था और अब ये देखिए मोतिहारी। एक के बाद एक बिहार में पुल लगातार गिरते जा रहे हैं। इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर ऐसा मटेरियल कौन सा है जो पुल बनकर भी तैयार नहीं हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।